Welcome everyone to so, इस वीडियो में solid state physics के so, में के क्वेश्चन करेंगे। ये आए थे के के करेंगे। से तीन क्वेश्चन आए थे। ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ सो so, वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग से आया था सो so, आप वो क्वेश्चन देख लेना जिसमें हेक्सगनल लैटिस के वैक्टर्स दे रखे थे और उससे हमने इंटरप्रेनर स्पेसिंग निकाली थी ठीक है तो उसमें मैंने काफ़ी तीन मेथड से शायद वो क्वेश्चन किया था तो अब वो देख लेना अब इस वीडियो में दो क्वेश्चन करेंगे जो सॉलिड सेट फिजिक्स से ही आए थे सो so, ये फाइव मार्क्स से ही क्वेश्चन है सो सेवंथ क्वेश्चन है अ टाइट बाइंडिंग मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायमेंशन हैज़ अ डिस्पर्जन रिलेशन सो टाइट बाइंडिंग मॉडल से हमें डिस्पर्जन रिलेशन इन्होंने दे रखी है विच इज़ ई के दिस इज एनर्जी विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द वे वैक्टर के इसे प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं सो ई के इज माइनस टू टी वन माइनस कोस के सो डिस्पर्शन रिलेशन यही होती है एनर्जी वर्सेस के की जो रिलेशन होती है ई वर्सेस के का वेयर टी इज ग्रेटर देन जीरो सो टी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ए इज़ द लेटेस्ट कॉन्सटेंट ए यहाँ पे लैटिस कॉन्स्टेंट है एंड माइनस पाई बाई ए से लेस देन के लेस देन पाई बाई ए सो के की जो वैल्यू है इन्होंने दे रखा है कि वो माइनस पाई बाई ए से पाई बाय ए के बीच में ही है के की वैल्यू नाउ विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिगर्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ओवर द रेंज सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें बताना है इस रेंज में ठीक है सो so, के की वैसे तो वैल्यू ये है लेकिन जब हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बताना है वो हमें के की दूसरी वैल्यूज पे बताना है सो so, यहाँ पे ध्यान रखना इस रीजन में नहीं बताना इस रीजन में बताना है ठीक है सो so, दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है पाई बाय टू ए से लेके पाई बाय ए के बीच में के की वैल्यू सो so, इसमें ये सारे ग्राफ्स दे रखे हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वर्सेस के सो इसमें से बताना है कौन सा सही होगा सो so, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है एंड वन डायमेंशन के लिए वन डायमेंशन केस है यहाँ पे सो वन डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला क्या होता है सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आपको पता है uh, आप डी से डिनोट करते होगे डी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स होता क्या इट इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज सो नंबर ऑफ़ एनर्जी स्टेट्स दैट इज डी एन बाई डी ई पर यूनिट एनर्जी रेंज ऐसे निकालते हैं सो so इसको आप क्या कर सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एन बाई डी के इंटू डी के बाई डी ई ऐसे लिख सकते हैं सो so नाओ अब हम क्या करेंगे इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे डी एन बाई डी के वैल्यू निकालेंगे सो वन डायमेंशन या फिर थ्री टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन के लिए ये एन की वैल्यू अलग अलग होती है एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स या अलाउड इलेक्ट्रॉन्स बोल लो कुछ भी बोल लो सो वन डी के लिए आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है सो वन डी के लिए एन होता है ए बाई पाई इंटू के सो यहाँ से आप डी एन बाई डी के निकाल लो डी एन बाई डी के होता है ए बाय पाई हो जाएगा ठीक है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी एन बाई डी के का सो ये ए बाई पाई आ गया सो so आपको ये फॉर्मूलाइज याद होने चाहिए वन डी के लिए टू डी के लिए टू डी के लिए फिर वो ए बाय पाई का स्क्वेयर हो जाता है इन पाई के एफ स्क्र हो जाता है तो ये आया कहाँ से ये वहाँ से आता है जब हम एन uh, एफ लिखते हैं एन एफ मतलब इट इज़ द क्वांटम नंबर कोरस्पोंडिंग टू द फर्मी एनर्जी लेवल एन एफ सो ये इक्वल होता है एन बाई टू के डैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बाय टू इसके इक्वल होता है एंड दिस इज इक्वल टू ए बाय टू पाई इंटू के इसके इक्वल होता है ऐसे ही टू डी में आपको पता होगा कि एन एफ होता है एन बाय टू ए बाय टू पाई का होल स्क्वायर इंटू पाई के एफ स्क्वायर इंटू पाई के स्क्वायर लिख लो ऐसे ही थ्री डी में सो so, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ये तो आपके टिप्स पे होने चाहिए ये सारे फॉर्मूलेज ना सो फोर बाई थ्री पाई के क्यूब सो इस टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं सो so, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक मैंने कर दी हो वैसे सही लिखे हैं सो so, अब ये चेक कर लेना सो so, वनडे के लिए यही होता है एन एफ होता है एन बाई टू ए बाई टू पाई इन टू के यहाँ से आपके पास एन आ जाता है ए बाई पाई इंटू के सो यहाँ से आप डी एन बाई डी के निकाल लो डैट विल बी ए बाई पाई सो डी एन बाई डी के हो जाएगा ए बाई पाई एंड डी के बाई डी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे नीचे रेसिप्रोकल में लिख रहा हूँ ठीक है इसका मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये डी ई बाई डी के ठीक है दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला सो so, आपको अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको इवन अगर ये भी पता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वन बाय डी बाई डी के तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए सो मैंने ये सारी चीज़ें ड्राइव कर दी हैं बट ये आपको यूजली ये पहले से ही पता होना चाहिए मैं बस कंसेप्ट समझाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटिव स्टेट्स का फॉर्मूला ये होता है वन डी में सो अब हम क्या करेंगे हमें डिस्पर्जन रिलेशन दे रखी है एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है विच इज द फंक्शन ऑफ के सो ये फॉर्मूला दे रखा है माइनस टू टी माइनस टू टी वन माइनस कोस के के, सो यहाँ से हम डी बाई डी के निकाल सकते हैं सो डी बाई डी के वुड बी इक्वल टू माइनस टू टी सो कोस के का क्या होगा इसका तो जीरो हो जाएगा माइनस कोस के कोस के ए का होगा माइनस साइन के सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा सो साइन के ए आ जाएगा इन टू इसका डिफरेंसीशन विद रिस्पेक्ट टू के सो वो देगा खाली ए सो so, आपके पास आ जाएगा डी बाई डी के की वैल्यू माइनस टू टी ए साइन के ए सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इससे आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल लो सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डी ई वुड बी इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिया लिखा था ए बाई पाई डी ई बाय डी के सो ये हो जाएगा ए बाई पाई डी बाई डी के हमने निकाल लिया विच इज़ टू टी ए साइन के ए सो ए से ए कैंसिल हो गया एंड आपके पास बचा क्या डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का डायरेक्ट फॉमूला आपके पास आ गया वन बाय सो माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस है माइनस वन बाय पाई टू पाई टी इंटू साइन के ए सो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का ठीक है अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला आ गया तो आप अलग अलग रीजन में देख सकते हो हमें किस रीजन में निकालना है कि के की वैल्यू माइनस पाई बाई टू ए से लेके पाई बाई ए के बीच में सो so, दोनों एक्सट्रीम्स वैल्यू डाल देते हैं सो फर्स्ट फोर के इज इक्वल टू पाई बाई टू ए के लिए सो पाई बाई टू ए के लिए सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हो जाएगी माइनस वन बाय अब यहाँ पे पाई बाई टू है डालेंगे और के के पाई बाई टू है ठीक है यहाँ से आप ये भी दिख रहा है के यहाँ पे पाई बाई टू है ठीक है ए को इधर ले गए सो पाई बाई टू है सो के की वैल्यू पाई बाई टू है सो साइन पाई, पाई बाई टू क्या होता है वन होता है सो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू पाई टी ठीक है तो आपके पास ये आ गया एंड दिस इज द फाइनाइट वैल्यू सो ये याद रखना ये फाइनाइट वैल्यू है नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे के इज इक्वल टू पाई बाई ए जो दूसरी लिमिट दे रखी है हमें सो so, दूसरा एक्सट्रीम जो दे रखा है पाई बाई ए सो so, इसमें क्या हो जाएगा यहां से आपको दिख रहा है कि के वैल्यू पाई है सो so, यहाँ पे पाई पुट करो के जगह पाई पुट करो सो साइन पाई क्या होता है इट इज जीरो सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएगा माइनस वन बाई जीरो विल बी इन्फिनाइट सो ये इन्फिनाइट की तरफ जाएगा ठीक है सो so, अब जब ग्राफ बनाएंगे सो so, ये जो सारे ग्राफ्स दे रखे हैं सो पाई बाई ए पाई बाई टू है सो पाई बाई टू ए पर एक फाइनाइट वैल्यू होगी एंड पाई बाई ए पर ये दिस विल टेंड्स टू इन्फिनी सो इन्फिनी की तरफ जाएगा ये सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन आपको दिख रहा है कहाँ पर ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो यहाँ पर जा रहा है इस ऑप्शन में भी जा रहा है लेकिन यहाँ पर फाइनाइट नहीं है यहाँ पर भी इन्फिनिट जा रहा है सो so, आप देखो कौन से ऑप्शन में सो यहाँ पे इन्फिनेट जा रहा है ये एंड यहाँ पे ये फाइनाइट वैल्यू है यहाँ पे इन्फिनेट जा रहा है

लैटिस जो एक स्क्वेयर मोनोएटॉमिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है विद अ लैटिस कांस्टेंट ए सो एक स्क्वेयर लैटिस दे रखा है बेसिकली हमें लैटिस कांस्टेंट ए का एंड मोनोएटॉमिक है मोनोएटॉमिक मतलब वन एटम पर यूनिट सेल सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वन है ईच एटम कैन कॉन्ट्रीब्यूट एन इंटीजर नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स सो एक एटम जो सारे कॉर्नर्स पे है दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट एन इंटीजियर नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सच दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल एट जीरो टेम्परेचर एन क्लोज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन कंप्लीटली सो हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट ईच ऐटम मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सच डेट द फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल जीरो टेम्परेचर पर जो होता है एन क्लोज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन सो so, इसके लिए आपको कई चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि ब्रिलियन जोन क्या होता है रेसिप्रोकल लेटिस क्या होता है आप ब्रिलियन जोन फर्स्ट ब्रिलियन जोन कैसे निकालते हैं सेकेंड कैसे निकालते हैं सो फर्स्ट पता होना चाहिए फर्स्ट ब्रिलियन जोन क्या होता है सो so वो वो रेसिप्रोकल लेटिस से आता है सो रेसिप्रोकल यूनिट सेल जो होता है एक स्क्वेयर लेटिस का वही उसका ब्रिलियन जोन होता है बाउंड्रीज ठीक है तो आपको वो पता होना चाहिए पहले वो चीज़ें एंड Uh, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है या कुछ करना है ये क्वेश्चन आपको अगर आपने बुक रीड करी है तो आप ये इजीली क्वेश्चन कर लोगे सो so, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कहाँ से आया एम ए वहाब बुक है अगर आपने वो बुक रीड करी है तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा ठीक है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बुक रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है खाली कोचिंग uh, में नोट्स पढ़ लेना या फिर कुछ वो ले लेना उससे कुछ नॉलेज नहीं आती उससे बस आ, आपको बस वो ट्रिक्स सिखा देंगे जैसे कई क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऊपर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला किया था तो वो क्वेश्चन आप कोचिंग वाले सिखा सकते हैं लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये कोचिंग वाले नहीं सिखा सकते ये आपको बुक रीड करनी पड़ेगी जब ही आपका धीरे धीरे मेंटल डेवलपमेंट होगी आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं सो so आप आपने बुक रीड करी होगी तो आप ये इसलिए क्वेश्चन कर लेंगे सो so बस दिखने में थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है वैसे बहुत ईजी है सो so, होता क्या है जो मोनोवेलेंट मेटल्स होते हैं मोनोवेलेंट मेटल मतलब वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है जैसे सोडियम है वन वैलेंस ए की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बाहर तो उसमें क्या है जो प्रोपोकेशन कांस्टेंट के एफ सो ये वेव वेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग टू द फर्मी वेव वेक्टर कहते हैं इसे फर्मी वे वेक्टर फर्मी वे वेक्टर की वैल्यू जो है वो होती है अंडर रोड टू बाय पाई अंडर रोड टू बाय पाई इन टू पाई बाय ए सो दिस इज द दिस इज द फर्मी वे वेक्टर ऑफ द वे सो फर्मी वे वेक्टर होता क्या इट इज सिंपली द रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल सो जो मोनोवेलेंट मेटल के लिए जो फर्मी सर्कल है ये उसका रेडियस है सो फर्मी सर्कल जो मोनोवैलेंट एटम मेटल का होता है या फिर मोनोवैलेंट एटम का होता है वो रेडियस कम होता है देन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन्स की जो बाउंड्री है सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ सो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में यहाँ पे बना देता हूँ सो so, आपको पता होगा मैं अभी बता भी दूँगा अभी थोड़ी देर बाद कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन बनाते कहते हैं सो so, इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं डैट लाए पाई बाय ए माइनस पाई बाई ए सो ये वाई की वैल्यू है एंड ये के एक्स की है एंड के एक्स की भी ऐसे ही पाई बाय ए से लेके माइनस पाई बाय ए पे बाउंड्रीज होती हैं सो अगर आप फर्मी ये ब्रीलियन जोन बनाओगे दिस इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कह सकते हो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल लैटिस और द फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री जो एक स्क्वेयर लेटिस के लिए होती है ठीक है सो इस टाइप का होता है दिस इज़ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ टू पाई बाय ए टू पाई बाय ए लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है ऐसे यहाँ पर भी ये टू पाई बाय ए की लेंथ का सो so, जब हम एक स्क्वायर लेटिस का एक स्क्वायर लेटिस का जब हम रेसिप्रोकल लेटिस फैक्टर्स निकालते हैं उससे रेसिप्रोकल लेटिस निकालते हैं सो डैट इज़ ऑल्सो स्क्वायर लेटेस बट विथ लेंथ टू बाई बाई टू पाई बाई ए सो इनिशियली अगर ए है उसका लेटेस्ट कॉन्स्टेंट सोरेसिप्रोकल लेटेस्ट में जो लेटेस्ट आता है वो टू पाई बाई ए लेंथ का आता है ठीक है सो so, इस टाइप का होता है सो so, फर्मी आप अगर इसका वो निकालोगे इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से अगर आप देखोगे इट इज पाई बाई ए ठीक है एंड अगर इसका कॉर्नर से डिस्टेंस देखोगे सो दिस इज दिस विल भी अगर आप ये कैलकुलेट करोगे दिस वुड कम्स आउट टू भी रूट टू पाई बाय ए और वन पॉइंट फोर वन फोर पाई बाय ए ठीक है तो ये आएगी आपकी वैल्यू सो so आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ये पाई बाय ए है ये पाई बाय सो के क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई बाय ए का स्क्र प्लस पाई बाय ए का स्क्वायर सो रूट टू पाई बाय आ जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू सो so अगर इसका मोनोवैलेंट में आप देखोगे कि फर्मी वे वैक्टर की जो वैल्यू है दैट इज़ अंडर रूट टू बाय पाई पाई बाय ए सो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे दिस इज लेस देन पाई बाय ए के कम है ये ठीक है क्योंकि पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर तो ये जीरो पॉइंट कुछ आएगा इंटू पाई बाय ए जीरो पॉइंट सेवन या फिर जीरो पॉइंट एट के आसपास आएगा इंटू पाई बाय ए सो दिस इज़ लेस देन पाई बाय सो इसका जो सर्कल बनेगा अगर मैं इसका इसका फर्मी सर्कल बनाऊँ मोनोवेलेंट मेटल का तो वो कुछ इस टाइप का आता है ठीक है तो वो छोटा होता है ठीक so, है सो हमें पूछा है कि डेट द फ्री इलेक्ट्रॉन फर्मी सर्कल एट जीरो टेम्परेचर एनक्लोजेज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन कंप्लीटली सो ऐसा सर्कल बताना है जो इस इस पूरे फर्मी सर्कल को एन्क्लोज कर ले ठीक है तो मोनोवैलेंट में नहीं होता मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा इसमें यही पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं सो मोनोवैलेंट में क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन होते हैं सो वन तो इसका आंसर नहीं है अब आपने अगर बुक पढ़ी है तो आपने डायवेलेंट केस के लिए भी पढ़ा होगा डाइवेलेंट मेटल में क्या होता है इसमें कहते हैं हम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इसके लिए जो फर्मी वेव वेक्टर आता है डैट इज अंडर रूट फोर बाय पाई इन टू पाई बाय ए सो इस टाइप का आता है ठीक है तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो इसका जो फर्मी सर्कल बनेगा डाइवेलेंट के लिए जो फर्मी सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनता है यहाँ से तो वो पास हो जाता है यहाँ से तो आगे चले जाता है बट कॉर्नर पे नहीं जा पाता तो कुछ इस टाइप का सर्कल बनता है ठीक है तो कॉर्नर पे फिल नहीं कर पाता और हमें पूछा है कि इट मस्ट एनक्लोज द फर्स्ट प्रिलियन जोन कम्प्लीटली सो ये कम्प्लीटली वर्ड याद रखना सो कम्प्लीटली हमें देखना है तो ये एरिया यहाँ पर एनक्लोज नहीं होता ठीक है से ये डाइवेलेंट के केस में ठीक है तो डाइवलेंट एन इज इक्वल टू टू बी इसका आंसर नहीं होगा सो ये भी आंसर नहीं है अब ट्राईवेलेंट मतलब तीन इल, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसे एल्यूमिनियम में होते हैं थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें सो उसके लिए जो फर्मी वे, वे वेक्टर होता है डैट इज अंडर रूट सिक्स बाई पाई इन टू पाई बाई ए सिक्स पाई पाई, पाई, पाई पाई ए सो इसके लिए भी अगर आप कैलकुलेट करोगे सो दिस इज ऑल्सो लेस देन ये पॉइंट पाई बाय ए जो है इससे कम ही है ये की एफ तो इस केस में भी कुछ इसी टाइप का ये जो मैंने डायवेलेंट के लिए बनाया है ये डायवेलेंट वाला थोड़ा अंदर की साइड होता है ऐसे होता है और ट्राइवेलेंट जो है थोड़ी बाहर की साइड होता है बट ये दोनों ही कंप्लीटली एनक्लोज नहीं करते सो एन इज इक्वल टू थ्री भी इसका आंसर नहीं होगा अब टेट्रावैलेंट के लिए देखते हैं टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट टेट्रावैलेंट जो होते हैं जैसे सिलिकन है जिसमें फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो so, उस केस में क्या होगा जो फर्मी वेक वेक्टर है दैट इज के एफ वो होता है अंडर रूट एट बाई पाई इंटू पाई बाई ए सो इसके लिए जो फर्मी सर्कल है डैट कम्प्लीटली इनक्लोजिस क्योंकि एट पाई एट बाई पाई इंटू पाई बाई ए इसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फाइव नाइन सिक्स इंटू पाई बाई एंड दैट इज़ ग्रेटर देन ये जो रेडियस है इसका यहाँ यहाँ की लेंथ है क्योंकि ये ला यहाँ की लेंथ अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट वाले यहाँ की लेंथ क्लियर नहीं कर पा रहे अगर यहाँ की लेंथ क्लियर करनी है सो वन पॉइंट फोर वन फोर से बड़ा होना चाहिए सो दिस इज़ ग्रेटर देन वन पॉइंट फोर वन फोर पाई बाई सो so, ये क्लियर कर जाता है एंड टेट्रावेलेंट वाला जो फर्मी सर्कल होता है डैट कम्प्लीटली इंक्लोजेज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन सो इट कम्प्लीटली इंक्लोज द फर्स्ट ब्रिलियन जोन एंड इसके बाद सेकेंड ब्रिलियन जोन भी आते हैं थर्ड ब्रिलियन जोन भी आते हैं फोर्थ भी आता है सो so, ये पार्शली ओवरलैप करता है पार्शली उन्हें वो करता है ये भी पार्शली फर्स्ट सेकंड ब्रिलियन जोन और थर्ड ब्रिलियन जोन वो आप पढ़ लेना कि क्या क्या होता है मैं सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बात कर रहा हूँ सो टेट्रा जो होता है जिसमें फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एन इज इक्वल टू फोर के लिए वो कंप्लीटली एनक्लोज करता है सो so, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ थर्ड थर्ड ऑप्शन फोर्थ एंड इज इक्वल टू फोर सो फोर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है सो फोर फोर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ईच आइटम लाइक सिलिकन में होता है ऐसा ठीक है सो so, ये तो हो गया बेसिक अगर आपको निकालना है अगर आपको के पता है तो आप निकाल भी सकते हो हमें पता है मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था कि ये जो एन नंबर ऑफ़ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स जो होती हैं या फिर नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉन्स डैट उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले सो डैट इज इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू टू टाइम्स ए बाय टू पाई का स्क्वायर सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज इक्वल टू टू इंटू ए बाई टू पाई का स्क्वायर इंटू पाई के एफ़ स्क्वायर सो ये मैंने फॉर्मूला अभी बताया था और एन इसके इक्वल भी होता है कभी कभी इसे टू एन एफ लिख देते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एन एफ इज इक्वल टू एन बाई टू और इसको पूरे को डिवाइड कर दो ए बाई टू पाई का स्क्वायर इंटू पाई के एफ़ स्क्वायर सो ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था यहाँ से मैंने एन निकाल लिया सो so आप यहाँ पे भी अगर के एफ़ की वैल्यू पुट करोगे जो टेट्रावेलेंट केस के लिए होता है डैट इज टू इंटू ए बाई टू पाई का स्क्वेयर इंटू पाई के एफ़ स्क्र सो के एफ़ की वैल्यू जो टटरा वैलेंट के लिए डैट इज एट बाई पाई पाई बाई ए का स्क्र सो आ जाएगा एट बाई पाई इंटू पाई बाई ए का स्क्र सो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे सो so टू मैं यहाँ का ये यह जो टू है इसको बाहर ले रहा हूँ तो फोर बाहर आ जाएगा एंड ए बाई पाई का स्क्वेयर बचेगा इंटू पाई इंटू एट बाई पाई 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 हो गए इंटू पाई बाई ए का स्क्वायर सो पाई बाई ए का स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा सो so, एन जो आ जाएगा फोर से ये कैंसल होके टू हो जाएगा सो टू इंटू टू फोर सो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है एन विल बी इक्वल टू फोर सो नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स फोर रहेंगी ठीक है सो so, आप ये मल्टीपल मेथड से कर सकते हो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा वो नहीं था अगर आपको बुक रीड कर दिया तो आप ईजिली ये क्वेश्चन कर लोगे ठीक है आपको बस के एफ़ की वैल्यू पता होनी चाहिए थी या फिर एक और तरीका है मैं एक बेसिक्स से बता देता हूँ कि आपको केक कैसा करना है सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन पहले होता क्या है? फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज द रेसिप्रोकल यूनिट सेल रेसिप्रोकल यूनिट सेल के इक्वल होता है ऑफ अ स्क्वेयर लैटिस सो स्क्वेयर लैटिस का जो फर्स्ट फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो है सो ब्रिलियन जोन होता क्या ब्रिलियन जोन इज लेंथ इन वन डी सो लेंथ वन डी में या फिर एरिया इन टू डी

सो so, ये हमें स्क्वेयर लैटिस दे रखा था मैं यहाँ पे स्क्वेयर लैटिस बना देता हूँ जिसकी जो हमें लेटिस कांस्टेंट दे रखा था वो ए दे रखा था ठीक है दिस इज ए दिस इज़ ए दिस इज़ एंड दिस इज़ ए ठीक है तो इस टाइप से हमें दे रखा है सो दिस इज़ अ सिंगल लैटिस मैंने बनाया एक स्क्वेयर लैटिस सो आपको पता है लैटिस प्लस बेसिस मतलब यहाँ पे एटम्स प्लेस कर दिए हमने एंड डैट विल गिव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो एक टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सो टू डायमेंशनल में ब्रिलियन जोन बनाएंगे सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है रेसिप्रोकल यूनिट सेल के इक्वल सो रेसिप्रोकल यूनिट सेल के इक्वल ठीक है ये सिर्फ मैं टू डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ सो टू डायमेंशन के लिए इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल यूनिट सेल ऑफ अ स्क्वायर लैटिस ऑफ अ स्क्वायर लैटिस सो दिस इज ऑल्सो स्क्वेयर ये भी हमें हमारे हमें पता है मैंने ऊपर भी बनाया था दिस कम्स आउट टू बी स्क्र ऑफ एरिया टू पाई बाय ए स्क्वेयर जिसकी सिंगल लेंथ होती है टू बाई बाय सो एरिया हो जाता है टू पाई बाय ए का स्क्र सो ये आता कैसे है सो so, सबसे पहले आपको ब्रिलियंट जोन पता होना चाहिए एक स्क्वेयर लेटेस के अगर वैक्टर्स आपको पता है कि यूनिट ट्रांसलेशन वैक्टर्स जो हैं ए ए वैक्टर ए आई कैप है एंड बी वैक्टर ए जे कैप है ठीक है सो टू डायमेंशनल के लिए बना रहा हूँ ये स्क्वेयर लेटेस के लिए टू डायमेंशनल स्क्वेयर लेटेस के लिए सो यूनिट ट्रांसलेशन वैक्टर्स ये होंगे अब रेसिप्रोकल लेटेस्ट वैक्टर्स निकाल लो जो रेसिप्रोकल लेटिस वैक्टर्स सो रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स दीज आर यूनिट ट्रांसलेशन लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस फैक्टर्स सो वो होता है ए स्टार आ जाता है हमारे पास टू पाई वाई ए आई कैप एंड बी स्टार आ जाता है टू पाई वाई ए जे कैप ठीक है सो so, इस टाइप से आ जाते हैं सो so, उसके बाद आप क्या करते हो आपके पास कंडीशन पता होती है आपको ब्रैक स्लो जो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए होता है इज गिवन बाई टू के डोटेड विद जी प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो आपको पता है ये ब्रैक स्लो है रेसिप्रोकल लेटेस्ट में रेसिप्रोकल लेटेस्ट के लिए सो so, इससे आप कंडीशन निकाल लोगे के क्या के इज़ द वे वेक्टर सो के को आप लिख दो के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप एंड जो जी वेक्टर है इट इज़ द रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर जी वेक्टर जो होता है एच आई कैप प्लस के जे कैप प्लस एल के कैप ठीक है सो so आप इसमें ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की कंडीशन आएगी ब्रैक्स कंडीशन जिसको हम कहेंगे ब्रैक्स कंडीशन फोर एच के एक्स प्लस के के वाई डैट इज इक्वल टू माइनस फाइव आई ए एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वायर सो इस टाइप की हमारे पास ब्रैक्स कंडीशन आएगी स्क्वेयर लेटिस के लिए और इससे हम फर्स्ट ब्रिलियन जोन कैसे निकालते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन निकालते हैं हम जब हम h और k की जो वैल्यू हैं उनको कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ठीक है तो वो वैल्यू जब हम एच की वैल्यू प्लस माइनस वन पुट कर दें और के को ज़ीरो रख दें या फिर एच को ज़ीरो रख दें और के को प्लस माइनस वन कर दें सो so उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं के एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस पाई बाय बाई एंड ऐसे ही के वाई की भी जो वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस पाई बाय ए सो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट प्रिलियन जोन कैसा आता है सो फर्स्ट प्रिलियन जोन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सो फर्स्ट प्रिलियन जोन कुछ इस टाइप का आएगा ठीक है सो दिस इज दैट माइनस पाई बाय ये मैंने पहले भी ड्रॉ कर दिया था सो so मैं ये दोबारा बना रहा हूँ जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए सो दिस इज द फर्स्ट दिस इज फर्स्ट ब्रिलियन जोन एंड ये के एफ है ठीक uh, है सो so, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस फर्मी इस ब्रिलियन जोन के अंदर ही रह सकते हैं ठीक है सो दिस रिप्रेजेंट्स द अलाउड अलाउड एनर्जी स्टेट सो इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सो so, इसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं बट बाहर मूव नहीं कर सकते सो so, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक जा सकता है बट इसके बाहर नहीं जा सकता और हमें पूछा है वो फर्मी सर्कल जो इसको पूरा इनक्लोज़ कर ले मतलब ऐसे पूरा इनक्लोज कर ले इसके बाहर वाले पॉइंट तक मतलब जो इसका रेडियस होना चाहिए वो होना चाहिए इसके एक जो मैंने बनाया ये जो वेक्टर मैंने बनाया इसके इक्वल होना चाहिए इसका रेडियस और ये के एफ कैसे निकालेंगे सो के एफ इज द रेडियस ऑफ द फर्मी सर्कल जो मैक्सिमम हमें चाहिए दैट वुड एनक्लोज द होल ब्रिलियन जोन सो के एफ बी इक्वल टू सो ये भी पाई बाय so पाई स्क्वायर प्लस पाई बायर के एफ आ जाएगा रूट टू पाई बाय ए सो रूट टू होता है वन बाय फोर वन वन फोर बाय बाय बाई सो यही होता है सो so, अब हमें ये पता चल गया दिस इज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन फ्रॉम द सेंटर सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन फ्रॉम द सेंटर सेंटर से डिस्टेंस है ठीक है नो हमें यह पता चल गया अब हम नौ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स निकालेंगे सो टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स डेट इज एन इज गिवन बाय सो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फर्मी सर्कल एरिया ऑफ द फर्मी सर्कल डिवाइडेड बाय द एरिया ये सिर्फ टू डी के लिए है, ठीक है सिर्फ टू डी के लिए बाकी में लेंथ हो जाता है वन डी में और वॉल्यूम हो जाता है थ्री डी में सो so ये मैं टू डी के लिए देख रहा हूँ सो टोटल नंबर ऑफ अलाउड इलेक्ट्रिक गिवन बाई एरिया ऑफ द फर्मी सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द अलाउड अलाउड वे वेक्टर्स अलाउड वे वेक्टर के एक्स एन के वाई इन द के स्पेस के स्पेस में जो एरिया है सो एरिया ऑफ द फर्मी सर्कल क्या होता है इट इज पाई के एफ स्क्वेयर ठीक है इसकी जो रेडियस है के एफ है सो पाई के एफ स्क्वायर हो जाएगा बाय एरिया ऑफ द अलाउड वे वैक्टर्स के एक्स एन के वाई इन द के, के स्पेस सो so, के स्पेस में के एक्स एंड के वाई का एरिया कितना है सो दिस एरिया सो दिस एरिया हमें पता है इसकी लेंथ टू पाई बाई ए है टू पाई बाय ए है दिस इज सिंपली द एरिया ऑफ द दिस रेसिप्रोकल लाइटिस ठीक है सो एरिया ऑफ द रेसिप्रोकल लाइटिस क्या हुआ? टू पाई बाई ए साइड का तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा सिंपली ठीक है एंड एक और फैक्टर यहाँ पे आता है टू का फैक्टर आता है सो so, टू क्यों आता है इट इज़ ड्यू टू द डी जनरेसी ड्यू टू द डी ड्यू टू एम एस वैल्यूज सो फैक्टर टू इज़ ड्यू टू द अलाउड वैल्यूज टू वैल्यूज क्योंकि अलाउड होती हैं एम एस के लिए ईच इलेक्ट्रॉन के लिए सो टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कोरोस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ एम एस प्लस हाफ के लिए और माइनस हाफ के लिए सो टू वैल्यूज़ अलाउड होती हैं एम एस के लिए तो उसकी जो डी है यहाँ पर टू आ जाता है टू फैक्टर आता है सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ एन सो so, ये सेम फॉर्मूला है जो आप मैंने यहाँ पे आपको बताया था अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सेम फॉर्मूला यही आएगा ठीक है तो ये फॉर्मूला जो है ये यहाँ से आता है एन एफ जो मैंने लिखा था ये फॉर्मूला यहीं से ही आता है ठीक है तो मैंने यहाँ पे ड्राइव भी कर दिया इसको ऊपर ले जाओ तो वही सेम फॉमूला बन जाएगा सो so, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू एन इज़ गिवन बाय टू पाई के एफ़ के एफ़ की वैल्यू अगर आप ये डाल दो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो हमें चाहिए रूट टू पाई बाई ए सो क्या हो जाएगा टू टू पाई इंटू टू रूट टू पाई बाय ए है सो टू पाई बाय ए का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे टू पाई बाय ए का होल स्क्वायर है सो फोर बाहर ले लो एंड पाई बाय ए का स्क्वायर सो पाई बाय ए का स्क्वायर पाई बाय एस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही ये ये कैंसिल हो जाएगा हमें बच जाएगा पाई एंड पाई की वैल्यू क्या होती है थ्री पॉइंट वन फोर वन सो so, एन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है एंड इट शुड बी ग्रेटर देन दिस थ्री तो नहीं हो सकता हम कम नहीं ले सकते हमें ज़्यादा ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है कि इस इसको पूरा इनक्लोज करना है अगर हम एन को थ्री थ्री ले लेंगे ले ले, इससे कम ले लेंगे ले, सो तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा जैसे मैंने बताया था कि ट्राई वैलेंट में होता है ट्राई वैलेंट या फिर डाई वैलेंट में वो इस टाइप से होता है ठीक है तो हमें पूरा इनक्लोज करना है तो हमें इससे इंटीजर एक बड़ा लेना पड़ेगा सो एन की वैल्यू हो जाएगी फोर सो आप यहाँ से भी देख लो यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सो आंसर आपका यही आएगा थर्ड दैट इज़ फोर फोर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट एक एटम कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सो थैंक यू